खबरें विस्तार से। तपते दोपहरी में नंगे पैर पिंड भरते हुए दो व्यक्ति कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से लगाई मदद की गुहार। आवेदक के अनुसार जमीन पर स्टे लगे होने के बाद भी पटवारी ने नपती। आज दोपहर 1 बजे के लगभग जब तेज धूप में पारा 43 डिग्री सेल्सियस था, तब सीसी रोड पर पिंड भरते हुए शमशाबाद के ग्राम खजूरी निवासी मूरत सिंह और उनके भाई कलेक्ट्रेट अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। बीच रास्ते में सूचना मिलने के बाद तहसीलदार सरोज अग्निवंशी चार पहिया वाहन लेकर उनके पास पहुंची। तब तक करीब 100 मीटर तक का सफर पिंड भरकर तय कर चुके थे, जिसकी वजह से उनके हाथ में छाले पड़ गए। बाद में तहसीलदार ने अपने चार पहिया वाहन में उन्हें बैठाकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचाया, जहां उनकी समस्याएं सुनने के बाद कलेक्टर को अवगत कराया। कलेक्टर ने भी उनकी बात सुनने के बाद शमशाबाद तहसीलदार से बात कर उनकी समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए। फरियादी परिवार का कहना है कि मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान उन्होंने अपना आवेदन दिया था। तहसीलदार शमशाबाद द्वारा कोई आदेश न आने के बाद भी पटवारी ने उनके हिस्से की 9 बीघा जमीन पर नपती कर दी। इसे लेकर जब वे कल तहसीलदार कार्यालय पहुंचे, नपती करने संबंधी आदेश की मांग करने पर पटवारी द्वारा उन्हें जेल भेजने की धमकी दी गई, जिससे थक हार कर दोनों भाई अपने पिता गोपाल सिंह यादव के साथ विदिशा कलेक्ट्रेट कार्यालय से करीब 20 मीटर की दूरी से उन्होंने पिंड भरना शुरू किया और उनके दोनों हाथों में छाले पड़ गए। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने इस समस्या को हल करने और फरियादी के कब्जे वाली जमीन जो उनकी दिवंगत बहन के नाम होने पर उस पर से कब्जा छुड़ाने और शेष 9 बीघा जमीन की समस्या हल करने का आश्वासन दिया। चलो चलो उधर बैठ जाओ। क्या नाम है, कहाँ से आया? मूरत सिंह है। कहाँ से आया? खजूरी से। कहाँ पड़ता है? जो पट्टन पे पड़ता है। अभी कलेक्टेड आप आ रहे थे, किस तरीके से आ रहे थे? पिंड भरा था रहे थे भगवान समझ। इतना 43 डिग्री टेम्परेचर है, तापमान है, ऐसे में पिंड भर रहे थे सीसी रोड पे। मर्जी क्या तकलीफ हो गई कि आप इतना कष्ट उठा के आ रहे हैं? इश्तेवारी जमीन भी जबरदस्ती नाप लाई। कौन ने? पटवारी ने। कौन है पटवारी? दर्पण लाल। फिर वहाँ तहसीलदार से नहीं मिले? काल गए तहसीलदार से तो थान करा लाए। काहे के? कहला के कहला तुम्हें बंद करे जाएंगे। मैंने की इश्तेवारी जमीन कहा नाप ली साहब। कहला के मैंने की आदेश दे दो हमें तो नकल। फिर क्या हुआ? तहसीलदार ने आपकी मदद नहीं करी? कोई ने मदद नहीं करी तो फिर यहीं भागे हम। लगे यहीं चल रहे, भगवान समझ के आ गए हम तो। मैंने यही भगवान कह रहे थे जेल भेज देंगे क्या? हाँ पटवारी साहब कह रहे जेल भेजेंगे। कह लग जे सही कह लग जे गदर दे दिया तहसील में आन आन के। मैंने कि तुम तो आर्डर की हमरे कहा जब हम तो इश्ते मांग रहे थे, तुम हमने इश्ते ही बता दी, तुम कह रहे इश्ते कह लग जात पुरानी है कि अभी पहले भी आए थे कलेक्टर? हाँ पहले भी आए थे। कह लगे शिकायत कर गए थे खान मिल गए थे। हम क्या चाहते? कछू नहीं चाहते साहब, जो हमारी कैंसल हो जाए। जमीन है जिनके नाम ग्राम खजूरी से दो भाई और उनके पिता यहाँ आए थे, कुछ पिंड भरते हुए आए थे, अपनी समस्या आपके सामने रखी, क्या है मामला? और देखिए ये चीज़ ये है कि इनका सिविल न्यायालय में केस चल रहा है। जो गोपाल सिंह हैं, गोपाल सिंह की सगी बहन की डेथ हो गई तो उनके नाम जो जमीन थी, गोपाल सिंह की बहन के नाम जो जमीन थी उसका वारिसाना नामांतरण उनके पति के नाम हुआ। उनके पति ने मिथिलेश भाई यादव को वह जमीन बेच दी। इसमें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो के यहाँ से भी ऑर्डर हुआ है, माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो के यहाँ से, जो जमीन इनके सगे बहनों ने बेची हुई है मिथिलेश भाई को, सीमांकन करके मिथिलेश भाई को वो जमीन बता दी गई है।
परंतु वर्तमान में गोपाल सिंह उस जमीन पर कब्जा किए हैं, चूँकि उनकी बहन की जमीन थी और बरसों से उसको जोतते वो रहे थे और बहन को जो भी बदले में देते रहे होंगे उनकी आपसी इशू था, परंतु चूँकि वो बहनों ही वो जमीन बेच दी है मिथिलेश भाई को, मिथिलेश भाई ने रजिस्टर्ड बस जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा उस जमीन को खरीदा है और उसका सीमांकन करके उसको कब्जा दे दिया गया है, लेकिन वर्तमान में गोपाल सिंह उस पर कब्जा किए हैं, वो जमीन को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। अब वो चूँकि जमीन उन्होंने खरीद ली है मिथिलेश भाई यादव ने, तो सीमांकन उसका कर दिया गया है, तो ये विवाद है। नहीं देखिए, संतुष्टि ये है कि हमने जितनी जमीन गोपाल सिंह की है उतनी जमीन गोपाल सिंह को सीमांकन करके बता दिया गया है, परंतु गोपाल सिंह उससे अधिक जमीन पर सीमांकन किए हुए है जो उसकी खुद की बहन की जमीन पर है, और बहन तो की डेथ हो गई, उनके बहनों ने वो जमीन जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा मिथिलेश भाई यादव को बेच दिए और मिथिलेश भाई यादव ने अपना सीमांकन करा लिया, जितनी जमीन विक्रय की उतनी जमीन का कब्जा मिथिलेश भाई को सौंप दिया गया है। विवाद यह है कि जो जमीन गोपाल सिंह अपनी बहन की जमीन थी वो अभी उसको छोड़ना नहीं चाह रहे, जबकि वो बहन के जो बहनों की वो जमीन